welcome back to my YouTube channel, and it's been a long time since I've uploaded a new video, and it's just because of my laziness I didn't shoot for something, but now I'm here with a new video, and today's video is going to be a very peaceful challenge. Yes, you know the color. We are going to do a white food color challenge. I only ate white color food for 24 hours. That's why I created this white makeup look and with a white dresser. So before starting this challenge, if you hadn't subscribed to my channel already, just please subscribe to my channel and let's get started. बन चुका है, वो भी व्हाइट कलर का। मुझे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है और आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा हेल्दी, यम्मी और टेस्टी होगा। एंड हम जल्दी से ब्रेकफास्ट को सर्व करके लाते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है। सो लेट्स गो। सो गाइस, हियर इज माय ब्रेकफास्ट। इट्स अ फ्राइड इडली एंड आई लव इडली। और आप मुझे जिसको भी इडली पसंद है प्लीज कमेंट में बताओ। और आई कैन नॉट ईट सांबर बिकॉज यार ये व्हाइट फूड चैलेंज है, और अगेन मैं इसको सिर्फ ऐसे ही खा सकती हूँ फ्राई करके। और मैं कोकोनट चटनी भी नहीं खाती, वरना वो भी व्हाइट कलर की होती है। आपको उसको उसके साथ एज आई सेड इट्स यम एंड आज का ब्रेकफास्ट हेल्दी टेस्टी और मेरा बन का है, और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। Hey guys, and it's a lunch time, और हम white food challenge कर रहे हो, और आपके और मेरे सबके favorite momos की बात ना हो ऐसा तो possible ही नहीं है। So मैंने सोचा है steam momos खाने का lunch में, और मैं steam momos order करने वाली हूँ। So मैं फटाफट से उसको order कर देती हूँ, और उसके बाद जब वो आएंगे तो हम साथ में lunch करते हैं। Hey guys, मेरे मोमोज आ चुके हैं। मैं जल्दी से इनको सर्व करके लाती हूँ और फिर अपना लंच एंजॉय करती हूँ। तो मैं बस अभी आई। Hey guys, ये बहुत यम लग रहा है एंड आई कांट रेजिस्ट टू ईट देम। और बहुत ज्यादा गर्म भी है ये, और यार इसके साथ मैं ना शेजवान खा सकती हूँ ना मैं मोमोज वाली चटनी। यार उसके बिना कहा ही मोमोज अच्छे लगते हैं। और सबसे बुरी चीज मेरे साथ एक और हुई है कि उन्होंने मेयोनीज नहीं भेजी है। मैंने उनको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया था कि प्लीज मेयोनीज भेजिएगा, और उन्होंने मेयोनीज नहीं भेजी है, और मुझे मेयोनीज के बिना ही ये मोमोज खाने पड़ेंगे, वो भी विदाउट मोमोज वाली चटनी, बिकॉज ये व्हाइट फूड चैलेंज है। और मेयोनीज तो मैं खा सकती थी बिकॉज वो व्हाइट होती है, बट मैं शेजवान और मेयोनीज वाली चटनी नहीं खा सकती बिकॉज वो रेड होती है। सो मैं ऐसे ही ये खाती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ ये कैसे। यार ये बहुत टेस्टी है, बट एज आई सेड कि मोमोज वाली चटनी के बना थोड़े से कम अच्छा लग रहा है, बट मोमोज तो मोमोज है ना, हम इनको एंजॉय करते हैं। और आई लव माय लंच। गाइस मैं अपना लंच खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये मेकअप रिमूव करूंगी, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ एक नैप लेने का, और मैं आपसे इवनिंग स्नैक के लिए मिलती हूँ। आज मैं थोड़ा सा इवनिंग स्नैक जल्दी करूंगी बिकॉज शाम में मुझे वर्कआउट करना होता है, तो मैं उसके 2 hours पहले और 2 hours बाद में कुछ नहीं खाने वाली। सो मैं आपसे इवनिंग स्नैक के लिए मिलती हूँ थोड़ी सी देर के बाद। 2 hours later. Hey, good evening, guys. और मेकअप रिमूव करके एक छोटी सी नैप लेके मैं जस्ट अभी उठी हूँ, एंड आई एम फीलिंग सो फ्रेश। एंड मैंने बहुत ही लाइट और अच्छा सा इवनिंग स्नैक सोचा है इतने ही बीच में। मैंने सोचा है कि ना हम वाइट कलर के पॉपकॉर्न बना सकते हैं, और कुछ अच्छा सा देखते हैं, हम अपने पॉपकॉर्न इन्जॉय करेंगे विद वाइट लाइम जूस। सो हम पॉपकॉर्न और लाइम जूस दोनों ही घर पर बनाएंगे। सो
लेट्स गो इन द किचन और हम पॉपकॉर्न और लाइम जूस रेडी करते हैं और बहुत लाइट सा इवनिंग स्नैक मैं लूंगी बिकॉज आई हैव टू डू वर्कआउट आफ्टर दैट सो लेट्स गो इन द किचन इट्स डिलीशियस और ये तो अच्छी हो गई यू नो और ये भी वाइट है और ये भी वाइट है सो हियर इज माय वाइट इवनिंग स्नैक मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ और साथ साथ कुछ अच्छे से देखती हूँ नेटफ्लिक्स पे और फिर मैं आपसे वर्कआउट के बाद मिलती हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमें डिनर के लिए क्या बनाना है Later. Hey guys, I'm back. और मैंने अपना वर्कआउट कर लिया था और वर्कआउट करे मुझे 1.5 hours हो चुका है अब मैं सोच रही थी कि मैं वाइट डिनर के लिए क्या बनाऊं सो मैंने बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड करा है कि मैं बनाने वाली हूँ वाइट चीजी मैकरोनी वो भी इंस्टेंट वन ये वाली ये जो मैगी का चीज मैकरोनी आता है मैंने ओपन कर लिया था एक्चुअली मुझे शॉर्ट लेना था सो मैंने कभी ये वाला ट्राई नहीं किया है आई थिंक मैंने पास्ता ट्राई किया है बट मैंने ये वाला नहीं ट्राई किया आई थिंक सेम ही होता होगा एंड इट इज वाइट इन कलर सो हम अपना डिनर में ये खाने वाले हैं और ये तो बस बहुत जल्दी से बन जाएगा सो मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ किचन में जाके सो लेट्स गो इन द किचन Guys, it's too yummy. It's too cheesy. Just like pasta होता है, same macaroni भी है. But अगर आपने ये वाली try नहीं करी है, please ये वाली जरूर try करना. और मैं corn नहीं खा रही हूँ. और this is my dinner, which is white, super creamy, super cheesy, and very delicious.
फिनिश कर लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। हे आई एम बैक। वैसे मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं अपने डेजर्ट का वेट कर रही हूँ, और जल्दी से बस डेजर्ट आ जाए फिर हम अपना व्हाइट कलर का डेजर्ट इंजॉय करते हैं, और फिर मैं दिखाती हूँ कि वो क्या है। एंड इट्स हियर, इट्स वनीला आइसक्रीम। एंड मैं इतनी देर से वेट कर रही थी इसका, एंड फाइनली आ गई। द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी चैलेंज द डेजर्ट। आई जस्ट लव आइसक्रीम। और यार आइसक्रीम सभी को पसंद होगी ना, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जैसे आइसक्रीम ना पसंद हो। और एंड इट्स टू यम। और मैं इसी के साथ उस चैलेंज को एंड करती हूँ, और बिकॉज आई वांट टू एंजॉय माय आइसक्रीम। और इस चैलेंज की वजह से मुझे वनीला आइसक्रीम खानी पड़ रही है, बट इट्स ओके, अदरवाइज आई डोंट लाइक वनीला। और so I'm ending this challenge. Like this video, then please give it a thumbs up and please comment like what do you want next, and also subscribe to my channel. See you in my next one. Bye bye.